आखिरकार पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, क्यों पश्चिम बंगाल आज इतना महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल को लेकर अभी एक बहुत ही ताजा स्थिति सामने आई है। लंबी बीमारी के बाद रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का निधन हुआ। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा लेख लिखा, सभी अखबारों ने उन्हें प्रदर्शित किया है, उस लेख को प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वामी स्मरणानंद के विचार विकसित भारत के संकल्प शक्ति हैं। चुनाव होने के बावजूद इस महापर्व में भागदौड़ के बीच ऐसी खबर उनके मन और मस्तिष्क में कुछ पल के लिए एक ठहराव सा ला गई थी और भारत की आत्मीय चेतना के प्रखर व्यक्तित्व होने की वजह से स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, जो कि अब समाधि व्यक्त क्षण है, और कुछ वर्ष पहले उनसे बात करने का, उनसे मिलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला था। बहुत लंबा लेख उन्होंने लिखा, अपने तमाम स्मरण सामने रखे और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा महत्व है आज बंगाल में। जाहिर सी बात है, यह प्रधानमंत्री का निजी अनुभव है, लेकिन हम सब मानते हैं ना कि राजनीति जब होती है तो उसमें निजी अनुभव का भी इस्तेमाल सही समय पर अगर किया जाए तो वो काफी कारगर होती है। रामकृष्ण मिशन की पहुंच पश्चिम बंगाल में कितनी है, हम में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता। जाहिर से बात है, इसका असर दूर तक पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये खुद कोशिश करते रहे हैं कि 42 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी जगह मजबूत करे। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की पीड़िता को उम्मीदवार बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा, टीएमसी की सरकार को बैकफुट पर रखा, उसके बाद जिस तरह से महुआ मोइत्रा के सामने एक बहुत ही प्रतिष्ठित उम्मीदवार को सामने रखा और इन दोनों उम्मीदवारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही बात की फोन पर। तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल आज कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसके लिए समझना जरूरी है, कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 42 सीट हैं लोकसभा में पश्चिम बंगाल। 2019 में लोकसभा का जो सीटों का बंटवारा था, तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, 43.3% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, 40.7% वोट शेयर था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली, 5.67% वोट शेयर था, और लेफ्ट 6.33% वोट शेयर के साथ सबसे नुकसान में रहा। अब अगर हम 2014 की बात करें तो वहां स्थिति क्या थी, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। 2014 में जो लोकसभा की स्थिति थी वो आपके सामने है। तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में 34 सीटें जीती थी 39.8% वोट शेयर के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी 17% वोट शेयर के साथ। अब ऐसे में यहां पे मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 17%, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 40% से भी ज्यादा, 43% के आसपास तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर, यानी कि सिर्फ 3% वोट शेयर कम था भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में 2019 में। अब आप समझ रहे हैं ना क्यों महत्वपूर्ण है यह 42 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। 18 सीटों को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रचार प्रसार और पश्चिम बंगाल में उपस्थिति को दर्ज किया, आज स्थिति यह बनती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी काफी आगे बढ़ती दिख रही थी। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम, 2021 के विधानसभा के डेटा अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 2021 के विधानसभा में जब आप देखेंगे तो वहां स्थिति बड़ी स्पष्ट है। 214 सीटें टीएमसी को मिली 48.2%, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली 38% के आसपास वोट शेयर था। लोकसभा में 40% प्लस वोट शेयर 2019 में, 2021 में विधानसभा में 38% से भी ज्यादा वोट शेयर, दूसरे नंबर की पार्टी। यानी कि आज पश्चिम बंगाल बाइपोलर हो चुका है, लेफ्ट फ्रंट न की स्थिति में है। विधानसभा में 0, लोकसभा में 0। जाहिर से बात है 6% के आसपास का वोट शेयर आज लेफ्ट फ्रंट के पास है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में 4.5% के आसपास वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी। लोकसभा में
दो सीटें मिली जरूर, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, यह भी स्पष्ट है। यानी आज पश्चिम बंगाल में लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। अब ऐसे में कौन सी पार्टी कहां अपना कैसा दाव खेल रही है? सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दो सीटों से 18 सीटों तक उठाया था पांच साल के भीतर में, 2014 से लेकर 2019 के बीच में वोट शेयर भी बढ़ाया। अब इसे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, CAA जो कि 2019 में पारित किया गया था, उसे कार्यान्वित चुनाव की घोषणा से ठीक पहले किया गया। अब ऐसे में उम्मीद यह है कि मथुरा समाज जो कि बहुत बड़े पैमाने पर 24 परगना और उत्तर 24 परगना और उसके साथ साथ नांदिया क्षेत्र में काफी प्रभाव डाल सकता है, उस वोट बैंक को पूरी तरीके से संयोजित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ बंगाल में बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। 10 में से 7 सीटें नॉर्थ बंगाल की भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती। अब ऐसे में जब मथुरा समाज का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि नॉर्थ 24 परगना और उसके साथ साथ नांदिया क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिलेगा और सीटों में इजाफा होगा। इसके साथ साथ कोलकाता और उसके आसपास के तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी CAA के इस्तेमाल से एक अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे सकती है, इसलिए CAA बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर एक छोटी पेच फंस गई और वो पेच ये फंसा कि नॉर्थ बंगाल में राजवंशी जो एक समुदाय है उसका बहुत आय है और ये समुदाय बांग्लादेश से आकर भारत में शरण लिए हिंदुओं को अपना नहीं मानता। CAA की वजह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ बंगाल में शायद नुकसान हो सकता है। लेकिन जब हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ देखते हैं और उसके बाद उस तृणमूल कांग्रेस के पास पहुंचते हैं और वहां पर इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या स्थिति चलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां यह बात स्पष्ट होती है कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। तृणमूल कांग्रेस ने तय किया कि वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इंडिया अलायंस में कोई भी बात सामने नहीं रखी। इसके लिए कांग्रेस भी बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो ममता बनर्जी और TMC के बड़े नेताओं से बातचीत करता रहा, लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उनको खुली छूट दी गई कि वो जो चाहें जैसे चाहें वैसे बोलते रहें और कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगलता रहा। इस मिक्स्ड सिग्नल को ममता बनर्जी ने समय रहते ही बहुत अच्छे तरीके से भांप लिया। इस स्थिति में ममता बनर्जी ने खुद अपने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निश्चय किया। जाहिर सी बात है ये ममता बनर्जी के लिए स्ट्रेटेजिक एक डिसीजन था, लेकिन अगर गठजोड़ बन जाता तृणमूल कांग्रेस और उसके साथ साथ कांग्रेस के बीच में तो जरा देखिए 43% से भी ज्यादा वोट शेयर 2019 के लोकसभा के चुनाव में TMC को मिला था और तकरीबन 4-4.5% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर था। कांग्रेस का वोट बैंक और तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक लगभग समानांतर है, पैरेलल है। ऐसे में एक ही बेस पर दोनों पार्टियां जब खड़ी होती, एक दूसरे के लिए मददगार साबित होती और एक दूसरे के साथ समन्वय कर आगे बढ़ती तो वोट शेयर के बढ़ने की उम्मीद और गुंजाइश कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगलते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को अपना नहीं मान रही, कांग्रेस को वहां पर हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा इसलिए बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ जो कि बांग्लादेश से सटे तमाम इलाके, कोलकाता और उसके आसपास के इलाके, 24 परगनाज, नांदिया और बाकी तमाम क्षेत्र और उसके साथ साथ मुर्शिदाबाद और मालदा का क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन क्षेत्रों में जो कांग्रेस का वोट है वो ममता बनर्जी के पास यानी कि TMC के पास ट्रांसफर होगा नहीं और अल्टीमेटली
ये एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने लिए 35 सीटों का लक्ष्य रखा है, 42 में से 35 सीट, अगर वो 20 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेती है पश्चिम बंगाल में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें काफी बेनिफिट मिलने वाला है।